पंजाब असेंबली में नून लीग ने काफी शोर मचाया और स्पीकर डाइस का घेराव भी किया और ये दरख्वास्त भी दी कि आज का इजलास मुलतवी कर दें। दूसरी जानब अगर हम काफ लीग के अरकान को देखें, तहरीक इंसाफ के अरकान को देखें, तो वो बहुत पुरेतमाद दिखाई देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक बिहेवियर्स की लैंग्वेज है वो भी बहुत कुछ बता रही है? जी हाँ, जी हाँ, इस वक्त तो आज बिल्कुल उलट हुआ समा। वो कौन सी बिल्ली कहते हैं कि भीगी बिल्ली की तरह वहां पे दुम दबा के शोर मचा रहे हैं, लेकिन तहरीके इंसाफ और काफ लीग आ गई है उन पर। और अभी दो घंटे में पता लग जाएगा कि इत्मीनान के वोट होता है या स्पीकर क्या कहता है। अभी तो आधे घंटे का जरा वक्फा हो गया है असेंबली के इजलास में, आपकी सियासी बसीरत क्या कह रही है? इमरान खान जनवरी की किस तारीख को असेंबली तोड़ने का ऐलान करेंगे? अगर आज अदम एतमाद हो गया तो कल कर देंगे। तो शेख साहब अभी तो ये मामला अदालत में भी है, जब तक अदालत फैसला नहीं कर देती पड़ता ये अपना केस वापस ले लेंगे। बात भी रात गई, बात भी बात खत्म हो जाएगी। सही। और गवर्नर का अगर ये नोटिफिकेशन गैर आईनी करार पाता है तो क्या गवर्नर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती है, होनी चाहिए? देखिए, जब असेंबली अगर ये तहलील कर देते हैं, एतमाद आज दे देते हैं, तो फिर गवर्नर शर्मन क्या है, क्या मैटर ही नहीं करते वो। अच्छा, और फिर सदर साहब से क्या गुजारिश की जा सकती है अगर ये एतमाद का वोट लेने में कामयाब होते हैं कि गवर्नर को तब्दील किया जाए या फिर उनका कोई इस्तेहकाक होगा? ये गैर जरूरी बातें हैं, इलेक्शन की तरफ जाना होगा। अगर दो समितियां तहरीक हो जाती हैं तो फिर इन्होंने क्या करना है? मुल्क के आगे देखें ना, मायूसी कश्ती डावाडोल है और वजीर